इमोशन है, तेरे पास ज्ञान है, ज्ञान है, चल फिजिक्स का मीनिंग बोल। हाँ, फिजिक्स का मीनिंग बोल। साइन थीटा कॉस थीटा अकबर बाबर फिजिक्स केमिस्ट्री करने से जीवन नहीं चलता है, आदमी को व्यवहारिक और सामाजिक। शुरू करें आज का क्विज, सब लोग तैयार है? जोर से बोल। चल ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बता सकता है पानी का पीएच मान क्या होता है? 7.0। वेरी गुड एंड करेक्ट आंसर, तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, अंग्रेजी भी सबका ठीक है ना? Yes, sir. कोई हमें बताएगा कि डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? विच ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल? मालूम 100 करोड़ का है ये सवाल। एनीवन हियर टू आंसर द क्वेश्चन? आर्टिकल के को होता है, कौन बताएगा? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? के प्रकार का होता है, मालूम? तुम्हें नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, झंडू बम बने हो? रे आर्टिकल दो प्रकार का होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। समझा? देख मुचूर लोग उधर बोल रहा है कि अरे याद था, हमें बता सकते, काहे नहीं बता रही? अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, तो द है। कौन है? द। उसी को क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। चल अगर वो डेफिनेट आर्टिकल तो फिर इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सी है? कौन है? विच वन? एन है, राइट आंसर। तालियां बजनी चाहिए, जोर से बोला सही है। इस प्रकार इसने सिर्फ जीता है भावनाओं को। 100 करोड़ कहाँ से? 100 करोड़, करोड़ ऐसे बोल रहे, ऐसे बोले जैसे घास के पत्ता से, बांस के पत्ता से फूट कर ऐसे नहीं चलेगा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैथ से, और वो क्वेश्चन ये है, क्या हमें बता सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? जोर से बोल। सही जवाब, तालियां। आई रिपीट द आंसर, जवाब था उसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर 3a² b + 3ab² राइट आंसर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से, कौन बताएगा हमें संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए डंटा है, दुख हरण। अच्छो अच्छो की खटिया खड़ा कर देता है, तू तो फिलहाल कौन है? झंडू बम है। किसी को नहीं मालूम संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए बढ़िया है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस में नहीं है जवाब आपका, कंफ्यूजन में है। लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, बाद में लोग देखेगा तो मालूम चलेगा, वैसे आपको भी मालूम चलेगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि संज्ञा किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन था। और आपका जवाब है कि किसी वस्तु व्यक्ति भाव आदि के नाम को जो बोध करे वही क्या कहलाता है? संज्ञा। संज्ञा को जब जाति के आधार पे बांटते के भागों में बढ़ता है, कौन बताएगा? नाम बता सकते हैं, 5 भागों में राइट आंसर है, लेकिन 5ों का नाम कौन बताएगा? वाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा, द्रव वाचक संज्ञा, भाव वाचक संज्ञा। राइट आंसर, तालियां। सही है, जाति के आधार पे जब संज्ञा को हम लोग बांटेंगे तो 5 भागों में बटेगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। राइट है, सही है। ओए एक वाक्य हम बोलेंगे,
आपको इसमें विशेषण ढूंढना है। विशेषण? जी हाँ, एक काली गाय मैंने देखी है। काली है तो क्या हुआ, गाय ही तो है। सही है, यही है। अब ये काली जो है विशेषण है, कौन सी विशेषण है, कोई बताएगा हमें? कौन बताएगा हमें कि काली जो है विशेषण है, लेकिन कौन सी विशेषण है? नहीं बताएगा। काला उसका गुण है ना, तो गुणवाचक कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। वैसे विशेषण छह प्रकार का होता है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं गुणसंक परि सर्व तुला सम्मान। ये अभी हम जनरल क्लास में जब आएंगे तो सब ए टू जेड आपको क्लियर कराएंगे। डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। आपको टेंशन नहीं करना है। चले, पिछवाड़ी लोग बैठा हुआ है, आराम से खा कर रहे, तू लोग भी बोल। हम एक वाक्य बोलने जा रहे हैं। सवाल हमारा हिंदी से एंड संस्कृत दोनों से है, बट आपको इसमें ढूंढने हैं क्या, इसको कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। कौन से समास है बता दीजिएगा हमें जरा, भाई बहन। कौन सी समास है भाई बहन, कौन सी समास है? Who can answer the question? द्वंद्व समास। राइट आंसर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। द्वंद्व समास है और सही जवाब है। ये टेंथ का एग्जाम सब लोग देने जा रहे हैं ना रे, कैसे देगा रे एग्जाम तू लोग? कहा लिखे कर एग्जाम में छापेगा? अरे रिजल्ट मान लेते हैं, सुनना, मान लेते कि तेरा फर्स्ट डिवीजन आ ही गया, टफ कर ही गया, क्या कर लेगा फर्स्ट आके? झंडू का झंडुए रह जाएगा, प्याज छिलेगा। सही जवाब। ये भी मैट्रिक के एग्जाम देने जा रहा है, ये भी लौटा वही बोला कि प्याज छिलेगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज से ही है, समास से ही है। बता दे मुझे चौराहा कौन सी समास है? चौराहा सही जवाब है, द्विगु समास है। बहुत सही जवाब है। जिस पद की प्रथम पद संख्यात्मक हो द्विगु कहलाता है। राइट आंसर। चल थोड़ा सा देख लेते कि अंग्रेजी तुम लोग के कैसे पूछे अंग्रेजी में। अंग्रेजी में तो पूछेंगे, एगो वाक्य हिंदी में बोलेगा उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, देखते हैं कि कौन कर सकता है। करें। रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। ऐसे कैसे? हम उल्टा पूछ दिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दे। रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। अच्छा, डॉक्टर को पहले मार दे, रोगी को मार दे, मतलब डॉक्टर के आने का पहले रोगी मर चुका था। नहीं, हम उल्टे पूछे, उल्टे जवाब। बोले गरे कौन है यहाँ पे, सब मुर्दे बैठल है। बोल जोर से बोल। सही जवाब, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मजा आ गया, ठोक दिया, चुप कॉन्सेप्ट समाज। जब कभी भी हमारे सामने दो घटना आए और दोनों ही पास्ट में, मतलब डॉक्टर का आना रोगी का मरना या रोगी का आना डॉक्टर का मरना, दोनों ही पास्ट काल में हो, प्रेत काल में हुआ है। आप प्रेत काल में हो तो जो घटना पहले समाप्त हो जाए उसकी पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में संपादित हो उसे पास्ट एंड डेफिनेट में रखते हैं। जैसे हमने वाक्य में बोला रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था, तो डॉक्टर पहले मरा है, रोगी बाद में आया है। तो डॉक्टर को मरा है तो इसको किधर रख दे? पास्ट परफेक्ट में। हाँ, रोगी का आना बाद में संपादित हो रहा है, इसको किधर रख दे? पास्ट इन डेफिनेट में। तो क्या बनेगा? द डॉक्टर हैड डाइड बिफोर द पेशेंट कैम। ऐसे ही बात कैसे बोलता है? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मास्टर साहब जा चुके थे, तो सेम बनेगा, मास्टर साहब पहले गए हैं। मास्टर साहब पहले चले गए ना, तो क्या होगा? द टीचर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल।
कितना आसानी से बन सकता है, है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं? आम पकने से पहले सड़ चुका था, ये सब भी तो वही है ना। क्या दिक्कत है? सड़ा है पहले, पका है बाद में, क्या फर्क पड़ता है? रे तोता मत बान, क्या मत बान? तोता मत बान, रख के क्या करेगा? कंसेप्ट को पकड़। चल एक बात और पूछ देते हैं, फटाक से जवाब देना। समय कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का, नाम कौन बताएगा? अंग्रेजी में बोलते प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और हिंदी में बोलते क्या? हाँ, भूत प्रेत ग्राम पिचास, ऐसे नहीं। भूत प्रेत ब्रह्म पिशाच नहीं, भूत भविष्य वर्तमान। क्या बोलते? भूत भविष्य वर्तमान। तो चल जरा देख लेते हैं कि तुम लोग का दसवा कना है, संस्कृत कैसा है, पाठ विषय वस्तु से कैसा ध्यान है तुम्हारा। चल बता। लोभ, लोभ नाम सुना है? लालच, लालच, लोभ किसको खा जाता है? लोभ किसे मार डालता है? ज्ञान को, समझे? पथिक का कहानी सुना होगा ना, पथिक की कहानी। तो पथिक को लोभ आ गया कंगन देख करके, बाघ बोला कि आ जा ले ले, हम सन्यासी हो चुका है, हमारा बीवी बच्चा एक एक्सीडेंट में मारा गया है, इसलिए हम दान पुण्य करना चाहते हैं, ये कंगन ले और मेरे को आशीर्वाद दे कि हम आगे बाघ ना बने, अच्छे बने। पथिक समझ गया तरीके, कंगन लेना है वो भी बाघ के हाथों से, हमें आशीर्वाद दिया जाए। बोला कि घुस जंगल, घुसना क्योंकि मारे गुरु। बोला कि घुस जा। वो घुसा नदी में, नदी में था दलदल, दलदल में जैसे ही फंसा, ऐसे बाघ ना था भाई। एक बात याद रखना, शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए, मुर्दों का शिकार नहीं करता, जिंदा खुद शिकार करता खाता है। और शेर से हमें एक सबक लेनी चाहिए कि हम भले फेल आएगा लेकिन चिप नहीं करेगा, फेल आएगा तो दोबारा एग्जाम देगा लेकिन चिप नहीं करेगा, ये शेर से सीखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? फेल होएगा तो होएगा। अच्छा, तुम्हारी मुस्कान उधर से होके, इस रास्ते में एंगेजमेंट ना करे, उधर से होके इधर से वहीं पे बैठ जाओ, घसक मसक के बैठाओ किसी तरह, साथ बैठो। इसी को बोलते हैं, देखो सुना, ये बात समझना। एक एक लड़का एक बोतल, एक लड़का एक बोतल का पानी लेके आता है तो सब बाट बाट के एक कुल्ला मार देता है। वहीं पे एक लड़की आकर के बैठ रही, इतना यहाँ जगह नहीं है, पांच को जी व्यवहारिक बनिए, लड़ाके मत बनिए, सुने चुप रे, हाथ में डंडा तो कृपया ना चले जुबान। अभी हम क्या बोल रहे थे, भूल गया, बताओ क्या बोल रहे थे? अच्छा, पथिक की बात बता रहा है। तो क्या करा उसने, जैसे ही नदी में स्नान करने को गया, दलदल में फंस गया, बाघ बोला कि इससे सुंदर मौका हमको मिलेगा नहीं। बोला कि तब भूखे तो हम एक सप्ताह से थे, मिल गया हमें आहार, स्वाहा कर दिया, चबा चबा के, है कि नहीं? तो इससे क्या ज्ञान मिलता है? हिंसक जंतु पे कभी विश्वास नहीं करने का, जैसे आपका पाकिस्तान, उस पर कोई भरोसा नहीं करने का। तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, वे सबका छोटा, भारत का छोटा बच्चा है, भारत से निकला। चल बता दे, भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ? ये भी क्वेश्चन है। समय डेट बता। जी नहीं, 14 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से अलग हो गया, मतलब भारत से एक दिन पहले आजाद हो गया, लेकिन आजादी उसके किस्मत में थी कहाँ? विक्टोरिया ने बोला कि नहीं रे, चलना हम चलते हैं, उस पर फिर से शासन किया। चल एक बात और बता दे,
भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। चल चीन के साथ जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब, सुंदर जवाब। एक बात और बता दे, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? 1972। सही जवाब पता किया करे, 71 में हुआ। एक साल ज्यादा हो गया, एग्जाम बढ़िया जाएगा, बस रिजल्ट नहीं है। हाँ जब गलत जवाब तो गलत समझा। ये डंडा जानते हम काय के लिए लिए हैं? काय के लिए लिए? जो पढ़ाते वो हुकते नहीं है, लेकिन हम थोड़ा दूजे किस्म का है। बोले ना कि एशिया का सबसे खतरनाक मास्टर कौन है? बिके मिश्र। एशिया का, हम ये छोटे मोटे लोगों को हम प्रमाण नहीं देते। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है? एशिया। और वही के हम भी है, हम एशियन है। एशियन पेंट मत समझ लेना। पहले तो हम इस गांव का है, उसके बाद हम इस जिला का, उसके बाद बिहार के, उसके बाद हम इंडिया के हैं, उसके बाद हम एशिया के हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं कि हम एशिया के निवासी हैं, और इसलिए खतरनाक है क्योंकि हाथ में डंडा है और हम तुम्हारा भला चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भला मतलब भला वो नहीं, वो नीरज चोपड़ा मत समझना कि भला चला के मारेगा किसी को, मारिए दे। नहीं देख, जो तुम्हें अभी कुछ देर पहले तुम लोग के आने से पहले एक हम अंतरराष्ट्रीय लेवल का बात बता रहा था कि जो आदमी तुम्हारा हित चाहता है ना, उसकी आवाज कड़ी हो, और जो बहला फुसला करके तुमसे काम निकालना चाहता हो हमेशा मधुर बोलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं तुमको एग्जाम्पल के बतौर एक एग्जाम्पल हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे? तू ऐसे तेरा पड़ोसी बोलेगा कि थोड़ा ये नमको दुकानों से लेके आ गया बाबू, मेरे सोना, मेरे मोना, मेरे मोना, ऐसे बाबू सोना करके तुमसे काम निकलवा ले। भाई तुम्हारे मम्मी पापा डंडा बजा के बोलेगा पढ़, तुझे कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पढ़। सुने? और हम भी तो वही करता है ना, बजा के पढ़ाता है, प्यार से पढ़ेगा तो वैसे भी समझाता है, और नहीं समझेगा तो ऐसे भी समझाते हैं। तो जो तुम्हारा हित चाहता है वो बजाएगा, और उसकी आवाज कड़वी होती है, जैसे कि मेरा। हम सबके नजरों में क्या है? तुम लोग का सबसे बड़े शत्रु है यहाँ दुश्मन। ये लौंडा देखिए, हम दुश्मन नजर आ रहे हैं। जानता है रे, अभी जिस ज्ञान के प्राप्ति के लिए तू यहाँ पे बैठा है, तड़पेगा उस समय जब एग्जाम में तेरे सामने क्वेश्चन होगा या इस ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम्हें कोई और याद नहीं आएगा। वन एंड ओनली हम ही नजर आएंगे और हम ही याद आएंगे। किसको हो रे? हमें याद करेगा कौन? हम वही याद करेगा, वही याद करेगा जो लाइफ में कुछ बनना चाहता है, बनना चाहता है, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कुछ भी, पुलिस, दरोगा। यहाँ पे जितना पढ़ रहा है, चोरों चोर तो बनेगा, कौन चोर चोर बनेगा? कौन चोर चोर बनना चाहता है? ये बनेगा, कौन नहीं बनेगा? एक बात बता, सुने, चोर चोर जानता है कहाँ से बनता है? अपने घर से। पहले मम्मी पापा का बटुआ मारेगा, फिर पड़ोसी का गजरा उखाड़ेगा, कभी कभी बाल तोड़ेगा, कभी कुछ करेगा, उसके बाद बाजार में ताला तोड़ेगा, उसके बाद डब्बा डालेगा, उसको सुपारी खिला, वैरायटी उसका बढ़ गया, उसके बाद बैंक का लॉकर तोड़ेगा, वैरायटी बदल रहा। अच्छा एक बात बता, चोर का जीवन 4 दिन का होता है, चमक लेगा, लेकिन उसके बाद जब पिछवाड़ा पे लगने लगेगा तब तो उसकी अकेल भुला जाएगा, सारा नॉलेज ज्ञान चला जाएगा। लाइफ का सुन ले, गर्व से कमा रहा है, ऐसे देख, सबका अपना पैसा कमाने का अलग अलग, चोरी चुहारी करके दो नंबर काम करके पैसा लोग कमाता है,
डर की वजह से रात में सोता है और हम गर्व से सोते हैं। एक बार सोते तो हम इस बेफिक्र होके सोते हैं कि हमें सुबह आराम से जाकर के बस क्लास करना है। इस डर से तो नहीं सोते हैं कि पुलिस वाला हमारे द्वार पे कभी भी आ सकता है। ऐसे हमेशा ताल देते रहता है, घर से किसी के सामने ऐसे ताल देगा मेरे पास नहीं, मेरे पास तो है, मेरे पास तो बहुत चीज नहीं है। सिर्फ ये बोले कि मोछे नहीं, नॉलेज का इधर नहीं है। से देख, ये बोला कि मोछ नहीं, बात सही की मोछ नहीं, तेरे पास ज्ञान है, ज्ञान है। चल फिजिक्स का मीनिंग बोल। हाँ फिजिक्स का मीनिंग बोल। देख इसके पास तो ज्ञान भी नहीं है, 1000 में से ज्यादा बार हम बताए, याद किया है, हो गया बेइज्जती, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर तेरे बेइज्जती होगी। इसको ये भी नहीं मालूम है PHYSIC। चल एक चांस और दे, ना देंगे सोशल साइंस का। चल बोल सोशल होता है, क्या लिखा जाता है, सोशल साइंस पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी का बोल। अच्छा देख, साइकोलॉजी को लोग पढ़ता है, बहुत सारे लोग आप लोग भी पढ़ते होंगे, पसलाउजी की साइलेंट है। एक बार तो हदे कर देते कि विद्यार्थी बोल रहा था कि सर पसलाउजी के एग्जाम हम जब हम भरे नहीं थे तो पसलाउजी आ कहां से भी एडमिट कर रहा था। हमने कहा पसलाउजी तो तेरे तो पसली फट गया वगैरह, बोला कि पसलाउजी तो हम पढ़े ही नहीं है, कैसे देंगे एग्जाम। तो पसलाउजी जानता है क्या है, साइकोलॉजी पी साइलेंट है, इसीलिए उसका प्रोनाउंसिएशन क्या कर लिया है। चल एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल सबसे पूछना चाहते हैं, बता देना, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। ज्ञान है, ज्ञान है। अज्ञान के बिना क्या भार है, जिंदगी भार है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो क्या चाहिए हमें, नॉलेज। नॉलेज अलग अलग प्रकार का होता है, सब्जी काटने के लिए भी नॉलेज चाहिए, रोटी पकाने का भी नॉलेज चाहिए। इसका मतलब पता ही नहीं रे, साइंस थीटा कॉस थीटा अकबर बाबत फिजिक्स केमिस्ट्री करने से जीवन नहीं चलता है, आदमी को व्यवहारिक और सामाजिक होना चाहिए, समझा। ज्ञान तुम्हारा तभी सार्थक है जब तुम एक सामाजिक हो, समझे, व्यवहारिक बनो, और व्यवहारिक बनने के लिए हमें हर प्रकार का नॉलेज रखना जरूरी है। और संक्षिप्त में उसे ऑलराउंडर कहते हैं, क्या कहते हैं, समझा, क्या बनके जीना चाहिए, ऑलराउंडर, समझा, जो हर काम को बहुत बारीकी से और साफ सुथरे अंदाज में कर सके। थैंक यू, भारत माता की जय।